वेलकम बैक टू टी टाइम। कभी कभी मेरा मन ऐसा करता है कि मैं कोई ऐसी रेसिपी बनाऊं जो बहुत फिलिंग हो, जो बहुत सेटिस्फाइंग हो। हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने पोर्शंस बनाना है उसके हिसाब से, इसके साथ में जो इसका पानी है उसके साथ इसको हम इस्तेमाल करेंगे और इसको एक बारी मिक्स कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे। और आप चाहें तो जो पैकेट में ब्लैक बीन्स आते हैं उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसको हम स्टॉक डालकर भी बना सकते हैं। और लेकिन हम बनाएंगे इस खास बेवरेज से जो हमने तैयार किया है, चाय। चाय डाल के इसको हम थोड़ा सा लिक्विड बढ़ा लेते हैं इसका। और इसको अब मिक्स कर लेते हैं। अगर आपने ये सूप इंस्टेंट बनाना है तो इसमें आप पके हुए चावल डाल सकते हैं, पर यदि आप इसको बड़े आराम से सिमर करते हुए बनाना चाहते हैं तो इसमें आप कच्चे चावल डाल दीजिए और उसके बाद उसको लगभग आधे घंटे के लिए हल्की आंच पर पकाइए जब तक कि चावल पक ना जाएं। लेकिन हम इसमें डालेंगे पके हुए चावल क्योंकि हम इसको इंस्टेंटली तैयार करने जा रहे हैं। और साथ ही में इसमें डालेंगे ये टमाटर जो हमने चॉप किए हैं। और टमाटर डालने के बाद आइए इसको हम मिला लेते हैं। अब इसमें डालते हैं हम नमक और केन पेपर। जी हाँ, इसमें हम केन पेपर का इस्तेमाल करेंगे जो बिल्कुल नॉन स्पाइसी है और बहुत माइल्ड होती है ये। यदि आपको ये ना मिले तो आप इसमें देगी मिर्च होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका ऑल्टरनेटिव तो नहीं है पर आप डाल सकते हैं उसको, या फिर अपनी मनपसंद जो काली मिर्च है उसको भी आप कूट के इसमें डाल सकते हैं।
आएगा, सूप के भी और चाय का मजा भी देगा। ब्लैक बीन सूप बनाने के लिए एक पैन में एक बड़ा चम्मच तेल डालकर गरम करें और उसमें एक बारीक कटे प्याज को हल्का लाल होने तक फ्राई करें। अब इसमें एक छोटा चम्मच बारीक कटा लहसुन डालकर थोड़ी देर सौटे करें और इसमें एक कप चाय का पानी, 150 ग्राम ब्लैक बीन, एक तिहाई कप पके हुए चावल और 2 से 3 बारीक कटे हुए टमाटर डालकर 15 से 20 मिनट के लिए पकाएं। पकने के बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक और साथ ही में 2 कप चाय का पानी डालकर इसको थोड़ी देर के लिए पकाएं। सूप को एक सर्विंग बोल में डालें और ऊपर से बारीक कटे हरे धनिये से गार्निश करें और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। और अब बारी है आज के कॉन्टेस्ट क्वेश्चन की। हमारा आज का सवाल है, लेमन नट कुकीज बनाते समय मैंने कौन से ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया था? ए काजू, बी अखरोट, सी बादाम। सवाल एक बार दोबारा सुन लीजिए, लेमन नट कुकी बनाते समय मैंने कौन से ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया था? ए काजू, बी अखरोट या फिर सी बादाम। अपना सही जवाब आप हमें SMS के जरिए भेज सकते हैं। इसके लिए टाइप कीजिए TTR स्पेस दीजिए और अपने जवाब का सही ऑप्शन लिख भेजिए, ए बी या फिर सी। अपना सही जवाब आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। यदि आपके पास भी कोई ऐसी रेसिपी हो जिसे आप हमसे शेयर करना चाहते हैं या फिर कोई सलाह या कोई सजेशन हो हमारे लिए तो उसे लिख भेजिए। मेरी ईमेल आईडी है chefrakesh@foodfood.com। यदि हमारी आज की रेसिपीज या और भी रेसिपीज को आप देखना चाहते हो तो लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.foodfood.com पर। Thank you.